नमस्कार, मैं हनु जोधपुर और आप देख रहे हैं एक नजर। बीते रोज मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर जिला के कुठेड़ा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के लिए वोट अपील की। उन्होंने देश में बढ़ रही महंगाई के लिए केंद्र की यूपीए सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बीते रोज हमीरपुर जिला के कुठेड़ा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर जनता से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के पक्ष में वोट अपील की। इस मौके पर उनके साथ हमीरपुर विधायिका उर्मिल ठाकुर और अन्य भाजपा नेता भी मौजूद थे। कुठेड़ा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी गर्मजोशी से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि इन चुनावों में आतंकवाद, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमान प्रमुख मुद्दे होंगे। उन्होंने कहा कि देश में बड़ी महंगाई के लिए केंद्र की यूपीए सरकार जिम्मेवार है। आज ये हिसाब लगाने की जरूरत है कि 5 वर्षों में हमें क्या मिला, इस सरकार की क्या खेल रही। आतंकवाद, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमान। कई बार पत्रकार मित्र पूछते हैं इस बार मुद्दे क्या होंगे। ये मुद्दे, 5 मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे भी हैं और हर चुनाव में वोट नेगेटिव और पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक वोट पड़ता है। 15 महीने में जो हमने किया है उसका हिसाब भी हम जनता को दे रहे हैं, उसका पॉजिटिव वोट हमें मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कांग्रेस चुनावों से पहले ही हार चुकी है और आज कांग्रेस के नेताओं के पास जनता के बीच रखने को कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार ने जो अनदेखी हिमाचल प्रदेश के साथ की है, कांग्रेस के लिए उसका खामियाजा भुगतने का समय आ गया है। राकेश पाल, के जनरल, हमीरपुर। मंडल के महामंत्री। दिन ब दिन घट रही मतदान के प्रति रुचि के चलते लोकसभा चुनावों में खड़े प्रत्याशी वीरभद्र सिंह ने शुक्रवार को आयोजित अपनी जनसभाओं में एक और जहां कांग्रेस के पक्ष में वोट अपील की, वहीं जनता से बढ़ चढ़कर मतदान करने का आह्वान भी किया है। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरभद्र सिंह ने शुक्रवार को मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र की दुद्दर, मझवाड़, कोटमोर्स, गहनवाल, कठाड़क, अलाथू, रंधाड़ा पंचायत सहित विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं और नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट अपील की। इस मौके पर उनके साथ सदर विधायक अनिल शर्मा भी मौजूद रहे। दुद्दर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने घट रहे वोटिंग स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए लोगों को अधिक संख्या में मतदान करने का आह्वान किया। साथ ही वीरभद्र सिंह ने उपस्थित जनता से कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान करने की बात को भी जनता के बीच रखा। आज हमें अवश्य आना चाहिए और चाहे वो ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो, पंचायत समिति का हो, जिला परिषद का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, हर चुनाव के अंदर हमको भाग देना चाहिए और अपनी मर्जी के कैंडिडेट को वोट देना चाहिए और ताकि आपका आपका जो आपकी इच्छा है वो आपकी इच्छा के अनुसार जो है वो विधायक जो है या सांसद है या कोई और मेंबर है वो चुनकर आगे आए। तो मुझे आपसे कहना है, नंबर एक, वो दिन सब अपने मतदान का प्रयोग करें और नंबर दो, या उसका प्रयोग करते हुए आप मेरे निशान हाथ जो है हाथ के सामने बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी की कामयाब कीजिए ताकि दिल्ली के अंदर जो है वो कांग्रेस सरकार का गठन हो और एक मजबूत कांग्रेस सरकार जो है वो देश की सेवा कर सके। वहीं इस मौके पर उनके साथ उपस्थित रहे सदर विधायक अनिल शर्मा ने भाजपा द्वारा पंडित सुखराम पर की जा रही टिप्पणियों को भी निराधार करार दिया। उन्होंने कहा कि सुखराम अपने किन्हीं निजी कारणों के चलते प्रचार में नहीं आ पाए हैं। अनिल शर्मा ने कहा कि वे पंडित सुखराम के आदेश का पालन कर रहे हैं और कांग्रेस प्रचार में जुटे हैं। ये प्रचार कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार करने में लगे हैं कि पंडित सुखराम जी अपना समय नहीं दे पाए यहाँ पर, वो मैं इसके लिए कह देना चाहता हूँ कि मैं उनके आदेश के ऊपर ही आज जनता के बीच में चला हूँ और जनता का आदेश है कि जहाँ राजसभा बोलेंगे वहाँ जाइए और पार्टी के लिए काम कीजिए। अदालती अपने को 7 और 14 तारीख को उनकी पेशी है कोर्ट, हाईकोर्ट में, जिनकी वजह से अदालत की वजह से उन लोगों के बीच में नहीं आ पाए। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है जिनके पास कहने को कुछ नहीं है वो प्रचार, झूठा प्रचार जो है वो करें जिससे कि पार्टी को हम नुकसान करने की कोशिश करें, इसका आपने ध्यान रखना है।
उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि आज पार्टी हाईकमान से मिले दिशा निर्देशों पर ही वे चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना उनकी कोई मजबूरी नहीं, जबकि भाजपा इस बारे में गलत प्रचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के जनरल, मंडी। कांग्रेस द्वारा एक लंबे समय से उठाए जा रहे चार्जशीट के मुद्दे को आखिर कांग्रेस ने अमली जामा पहना ही दिया। चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ तैयार की गई चार्जशीट को बीते रोज महामहिम राज्यपाल को सौंप दिया। कांग्रेस ने इस चार्जशीट को जनता के बीच भी सार्वजनिक कर दिया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भारतीय जनता पार्टी को नए झमेले में घेरने के अपने उद्देश्य को अमली जामा पहना दिया है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के खिलाफ तैयार की गई इस चार्जशीट को जनता के बीच सुपुर्द किया। 80 पन्नों वाली इस चार्जशीट में अब तक भाजपा सरकार में हुए घटनाक्रमों को मुख्य रूप से दर्शाया गया है, जिसमें मुख्यतः मजबूत परिवार, मजबूर सरकार और लाचार प्रदेश जैसे वाक्यों को प्रमुखता से उठाया गया है। चार्जशीट में जनता त्रस्त, मंत्री मस्त जैसे 21 शीर्षक मामलों को प्रस्तावना सहित दिखाया गया है। चुनावों से ठीक पहले सार्वजनिक की गई कांग्रेस की चार्जशीट चुनावों में कांग्रेस को कितना लाभ दे पाती है, यह देखना बाकी है। कुलदीप वर्मा, के चैनल, शिमला।